ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने एक मार्कशीट है। इसमें इस तरफ नेम लिखे हुए हैं और ये एक तरफ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और टोटल परसेंटेज मैक्सिमम और मिनिमम का हम फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूले से ये सब निकालेंगे। तो टोटल हमें कुछ भी एक्सेल में कुछ भी फॉर्मूला लिखने से पहले सबसे पहले हमें इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, टोटल टोटल के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे एस यू एम सम, और ब्रैकेट 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 ऑन करेंगे। और फिर हमें कहाँ से करनी है, कहाँ से जोड़ करनी है, बी टू से करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी टू। फिर बी टू से कहाँ तक करनी है, उसके लिए हम लगाएंगे कोलन, कोलन का चिन्ह लगाएंगे, जो डबल डॉट होते हैं ऊपर नीचे, वो डॉट लगाएंगे, कोलन जी टू तक। तो यहाँ पे हम जी टू लिख देंगे, जी टू लिख देंगे, क्योंकि ये बी टू से लेकर हमें जी टू तक की निकालनी है। बी टू से, ये बी टू, बी और टू और जी और टू, जी टू तक आ जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाता है फिर ऑटोमेटिक। और ये सेलेक्ट होने के बाद में हम ब्रैकेट, जी टू लिखने के बाद में हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करके हम जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाता है। फिर हम दूसरे सेल में वही बराबर लगाएंगे, फिर एस यू एम सम और ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाद में बी थ्री से हमें करना है, बी थ्री से लेकर कहाँ, बी थ्री, फिर कोलन, कोलन के बाद में हम जी थ्री लिखेंगे, क्योंकि हमें जी थ्री तक टोटल करनी है। तो यहाँ पे जी थ्री लिख दिया। अब जी थ्री लिखने के बाद में जैसे हम जी थ्री लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में एंटर कर देंगे, तो हमारे सामने टोटल आ जाती है। फिर इसके बाद में हम अगर पूरा एक साथ निकालना चाहते हैं, तो एक साथ निकालने के लिए हमें ये जो प्लस का चिन्ह होता है, उस प्लस के चिन्ह को ये जो खाली जगह है वहाँ पर लाकर खींच देते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये पूरा निकल जाता है। और परसेंटेज के लिए वही बराबर लगाएंगे सबसे पहले तो, और फिर बराबर के बाद ऊपर जो है टोटल लिखी जाती है, हम कितने कितने नंबर आए हैं। तो ये टोटल में यहाँ पर है, ये जो H2 सेल में जो लिखा हुआ है, H2 में हमने टोटल निकाली थी, तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले H2, यहाँ पर H2 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे सबसे पहले तो, और फिर बराबर के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे H2। H2 लिखने के बाद यहाँ पर H2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें जो परसेंटेज निकालने के लिए हमने कितने नंबर आए हैं, मतलब हमारे टोटल नंबर जो होते हैं उनमें से हमें हमारे कितने नंबर आए हैं, उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, मतलब अंश में लिखते हैं। मतलब H2 लिखेंगे, फिर हम डिवाइड बाय करेंगे, H2 लिखेंगे और डिवाइड बाय करेंगे 600, क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो हमारे सामने ये परसेंटेज आ गई पूरी, ये 61 पॉइंट कुछ परसेंटेज आई है। अब एक बार वापस करके देखते हैं, तो इसके लिए हमें वही सबसे पहले बराबर, फिर ये H3 में जो आ रही है टोटल, वो लिखेंगे S3 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर एंटर कर देंगे, तो ये परसेंटेज आ गए हमारे। फिर वही अगर पूरा एक साथ निकालना चाहते हैं, तो ये जैसे प्लस का चिन्ह आता है, फिर उसको हम नीचे खींच लेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। अब हमें निकालना है मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालने के लिए वही सबसे पहले तो बराबर, भले हम कोई भी फॉर्मूला लिखें, उस फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा बराबर से होती है। तो मैक्सिमम के लिए सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर एम ए एक्स, मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है एम ए एक्स मैक्स, फिर वही ब्रैकेट, फिर हमें कहाँ से कहाँ तक, ये जो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल और संस्कृत, ये 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें 6 में से मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, तो बी टू लिखेंगे, बी टू के बाद कॉलन, कॉलन के बाद 6 सब्जेक्ट है तो जी थ्री तक हैं, जी टू तक हैं, तो यहाँ पे जी टू लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और फिर एंटर कर देंगे। और फिर वही इसके बाद में इसको उस सेल पर ले जाएंगे, और फिर नीचे की तरफ खींच लेंगे।
अब हमें निकालना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए वही सबसे पहले हम बराबर करेंगे, फिर बराबर के बाद में एम आई एन, मिनिमम का फॉर्मूला होता है एम आई एन। यहाँ पे आप कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल स्मॉल लेटर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम, फिर वही ब्रैकेट, फिर बी टू से लेकर जी टू तक हमें मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम नंबर। तो बी टू, फिर कॉलन जी टू और ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे, तो ये मिनिमम नंबर आ गया हमारे सामने। अब मिनिमम नंबर के बाद में वही हमें उस पर ले जाकर और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह, प्लस का चिन्ह आते हैं हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। फिर हम निकालेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हमें वही बराबर, फिर एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला होता है AVERAGE, एवरेज, फिर ब्रैकेट, फिर हमें किसकी एवरेज निकालनी है, B2 से लेकर वही G2 तक, तो लिखेंगे हम B2 कॉलन G2, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, तो हमारे सामने एवरेज आ गया। यहाँ पर ये एवरेज परसेंटेज के बराबर आ रही है क्योंकि उसमें भी डिवाइड बाय 600 × 100 हो जाता है, तो वो 6 का भाग लगता है, और इसमें भी ये टोटल में 6 का भाग लगता है एवरेज में, इसलिए बराबर आ रहा है बिल्कुल। इसलिए हम एक बार यहाँ साइड में आके कर लेते हैं, यहाँ पर मतलब हिंदी में एवरेज नंबर निकाल लेते हैं कितने हैं, और इंग्लिश के अलग निकालेंगे इसे। तो हिंदी के एवरेज नंबर निकालने के लिए हमें वही सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर AVERAGE, एवरेज, AVERAGE, एवरेज, फिर ब्रैकेट, फिर हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, B2, B2 से लेकर B2 कॉलन, फिर कहाँ तक निकालना है, B7 तक, तो हम लिखेंगे B7 और ब्रैकेट बंद और फिर एंटर कर देंगे। तो हम जैसे एंटर करेंगे हमारे सामने हिंदी का ये आ चुका है यहाँ पर एवरेज। हिंदी में मतलब पवन प्रदीप इन सबके एवरेज मार्क्स हैं 48।